नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज बात करेंगे, पैट का रिजल्ट तो आ गया है, अब आगे का क्या प्रोसीजर रहने वाला है उसके ऊपर पूरी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा फील एंड व्यू चॉइसेस वाला विंडो ओपन नहीं हो रहा है और वहां पे लिखा आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल या प्लीज अपडेट योर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इस पूरी वीडियो में हम आपको प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने फोन या क्रोम की वेबसाइट पे अपना प्रोफाइल खोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे कैबियांस ये सब्सक्राइबर हैं, ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ पे इनका देखिए 208 मार्क्स इन्होंने लिए हुए हैं। और अब ये हमें कंटिन्यू मैसेज पे मैसेज डाले हैं, परेशान हो चुके हैं कि इनका क्या प्रॉब्लम है। देहरा से हमारे ये हैं और पोस्ट ऑफिस इनका पूर्वा है। कांगड़ा से हमारे भाई हैं दिव्यांश। देखिए रिजल्ट कार्ड आपका जो आया हुआ है इसको आप डाउनलोड करके अपने पास जरूर रख लें और इसका प्रिंट आउट जब भी आपका एडमिशन होगा तब भी आपको प्रिंट आउट साथ में लेके जाना है। और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी आपका साथ में एडमिशन के टाइम चाहिए रहता है, कई बार एडमिट कार्ड भी आपसे पूछ लेते हैं। अनिल कुमार जो रहते हैं ये देखिए, इन्होंने इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे हमें मैसेज डाल रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा फिल एंड व्यू चॉइसेस नहीं आ रहा है, वहाँ पे आ रहा है डियर कैंडिडेट यू आर नॉट एबल टू फिल योर चॉइसेस और अपडेट योर एजुकेशनल डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं 7 स्टेप में आपकी एडमिशन होगी। कितने? 7 स्टेप हैं। अभी तक पहला स्टेप था रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिल्म का, वो आपने कर दिया है सभी लोगों ने। दूसरा स्टेप था फीस जमा कराने का, जो फीस रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो भी आपने जमा करवा दी है। तीसरा था आपका पैट का रिटन एग्जाम या लीट का रिटन एग्जाम, ठीक है। पैट और लीट का जो रिटन एग्जाम है वो भी आपका हो चुका है, रिजल्ट पैट का आ चुका है, लीट का रिजल्ट 3 या 2 तारीख को आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नंबर स्टेप 4 है वहां पे आ रहा है चॉइस फिलिंग फॉर इंस्टीट्यूटेड कोर्सेज। दोस्तों ये यहाँ से दिखेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये तब तक विंडो ओपन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की तरफ से नहीं किया जाएगा, तब तक आप यहाँ से एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसका कट ऑफ आएगा, कट ऑफ आने के बाद ये विंडो ओपन होगी। जब तक मैं कट ऑफ की वीडियो नहीं बनाऊंगा, कट ऑफ की वीडियो बनेगी उसी के बाद आप इस चीज को देख पाएंगे कि हाँ भाई हमारा आ रहा है। और कुछ लोग यहाँ पे देखेंगे बाद में, यहाँ पे आएगा भी आप फर्स्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, आप सेकंड काउंसलिंग का वेट करें। जिन लोगों के मार्क्स बहुत कम है, जैसे जो 90 से नीचे जिनके मार्क्स हैं, उन लोगों को पहली काउंसलिंग भरने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। अगर कट ऑफ आपकी 90 मार्क्स रहती है, अगर आपकी कट ऑफ 100 मार्क्स रहती है तो 100 से जो नीचे मार्क्स वाले बंदे हैं उन लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग भरने का मौका तक नहीं दिया जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बोला था, जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। तो इनके 208 मार्क्स हैं तो इनको इजिली कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। तो डरने वाली बात नहीं है, जब तक विंडो कट ऑफ नहीं आएगी तब तक मैं कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाऊंगा, तब तक आप कुछ नहीं करें, चिल मारे, बहुत ज्यादा टाइम है। अभी आपका जो क्लासेस है अगस्त माह से स्टार्ट होती हैं, तो अभी देखो जून है, जुलाई है, 2 महीने हैं आपके पास। डरने की बात नहीं है, कोई भी अपडेट होगा वेबसाइट के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर पूरा बताऊंगा डिटेल में। बस आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें और अपने घर वालों के फोन में भी सब्सक्राइब जरूर करें और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अभी तक इस यूट्यूब चैनल से हमने 1 रुपया नहीं कमाया है और ना ही इंस्टाग्राम से। और अगर आप इस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं तो फिर बाद में क्या फ़ायदा, ये यूट्यूब चैनल हमारा बंद हो जाएगा, क्योंकि मेरे को और भी काम रहता है। क्योंकि मैं अगर इसी वीडियो को 2 साल से बना रहा हूँ, अगर कोई पैसा नहीं कमाऊँ तो मेरे को क्या ही मैं आगे कर पाऊँगा ज़िंदगी में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। व्यूज आएंगे 1000 में, लाइक होगी 10, फिर मैं क्यों वीडियो बनाऊँ, मेरे को कुछ और भी काम करना है। अगर लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, तभी मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और आपके लिए टाइम निकाल के वीडियो बना पाऊँगा, तभी मेरा दिल करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों डरने की बात नहीं है, फील एंड व्यू चॉइसेस की जो विंडो है जब तक कट ऑफ नहीं आएगी तब तक ये आपकी विंडो यहाँ पे ऐसी ही दिखाई देगी। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिन लोगों ने जमा नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, उनको एडमिशन के टाइम पे मौका दिया जाएगा। अब यहाँ आप अपने 10th का सर्टिफिकेट वहाँ पे वेरीफाई करवाओ, क्योंकि जब भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो आपने 10th अपियरिंग भरा था। जिन लोगों का 10th अभी
रिसेंटली पास आउट हुआ है, जिन लोगों का पास 10th का सर्टिफिकेट है उन्होंने तो अपडेट कर दिया, लेकिन जिनके पास नहीं था तो उन्होंने लिखा था अपीयरिंग। तो अपीयरिंग में मतलब आप बाद में जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो घर बैठे ही आप अपना फिल्म चॉइसेस भर सकेंगे, उसके लिए भी आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में देखेंगे कैसे आपको काउंसलिंग भरनी है, कैफे वाले से मैं प्रेफर करूंगा कि काउंसलिंग को आप मत भरवाएं, या अपने बड़े भाई बहन से भरवा लो, उनको वीडियो दिखाओ, उनसे काउंसलिंग का भरवाओ। कैफे वाले कई बार ऐसा कर देते हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको अपनी जो मर्जी दो तीन ग्रेड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और दो तीन कॉलेज सिलेक्ट करेंगे और ऑटोमेटिक आपको काउंसलिंग का दिख जाएगा भी हाँ वो कोई भी कॉलेज में आपका नंबर पड़ जाएगा। फिर आप बाद में बोले भी हमारा नंबर नहीं पड़ा तो वो प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और डरने घबराने वाली बात नहीं है, नीट का रिजल्ट भी 2 या 3 तारीख को आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल देख वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और चैनल को अपने घर परिवार के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा। डरने घबराने वाली बात नहीं है, जब तक हम बैठे हैं यहाँ पे तब तक आपको एडमिशन होके रहेगा, तो डरने और घबराने वाली बात नहीं है। 18 साल हम एडमिशन करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे अगर आप हमें चैनल को सब्सक्राइब और प्यार भरा लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।